तो ये है देखिए आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर वन। मैं आपको इस वीडियो में पूरा मॉडल सेट पेपर वन कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में देखिए आपका जितने भी सवाल में एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल बनाए वो भी आपको टिक करवाते चलूंगा, ताकि देखिए एक साथ आप दोनों आपका आपसे बच्चों जो भी है देखिए इंग्लिश इलेक्टिव है उनका इंपॉर्टेंट सवाल भी टिक हो जाए, पूरा पूरा सिलेबस देखिए वो भी कवर हो जाए। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले देखा आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला तो आपको एक पैसेज आने वाला, अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता दूं कि एक आपको पैसेज जैसे टर्म वन में पूछा गया टर्म टू में भी एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज दे देखिए कुछ आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए पहला आपको पैसे दिया और क्वेश्चन है वन से लेकर फोर तक आपको जवाब देना है और आपको देखिए चार सवाल दिए, तीन सवालों का यहाँ जवाब देना, एक सवाल के आपको दो मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल तीन सवाल का जवाब बता दिए तो छः मार्क्स आपको इस पैसे से मिलने जाएंगे। साउथ इंडिया के बारे में देखिए बताया हुआ है कि साउथ इंडिया जो है अपने फेमस है म्यूजिक और आर्ट्स के लिए और साथ ही साथ देखिए उनके लिटरेचर के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मद्रास और चेन्नई देखिए एक ही नाम आपको मालूम होना चाहिए, वो अपने कल्चर कैपिटल के कारण फेमस है और सीधा बात मदर आपके हमारे जो कह सकते हैं बच्चों हमारे जो इंडिया के मदर कहा जाता है, सोल ऑफ मदर इंडिया कहा जाता है और ये पूरा पूरी बात देखिए यहाँ पर जिक्र किया हुआ है इस पैसेज में। अब इस पैसेज देखिए जो जो सवाल बनेंगे मैं आपको वो टिक करवाते चलता हूँ। देखिए इस पैसेज को देख लीजिए, ये पैसेज इतना बड़ा पैसेज है, अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप सभी बच्चों को आराम से टाइम दे रहा हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरा पैसेज का फिर देखिए यहाँ पर आपको कुछ सवाल बोले हुए, यहाँ पर आपको टोटल चार सवाल दिए हैं कि वाई इज साउथ इंडिया मेनली नॉन फॉर साउथ इंडिया देखिए क्यों जाना जाता है और वाई इज ट्रीट टू वाइज स्पीकर देखिए जो हमारे स्पीकर मतलब जो लिखने वाले इस पैसेज को ठीक है उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाता है वॉच करने के लिए बताया हुआ है और हाउ डज द ब्रिज ऑन मरीना देखिए जो मरीना ब्रिज में वेदर के अकॉर्डिंग होता है वो किस तरह वो फील करते हैं वो बताना, इफेक्ट करता है इफेक्ट को। और अगला सवाल है व्हाट इज स्पेशल अबाउट एवरी स्ट्रीट, देखिए हर चेन्नई का हर स्ट्रीट को ना क्या बताता है ये हमें बताना है। तो चार सवाल में आपको किन्हीं तीन सवालों का जवाब देना, चलिए मैं एक एक करके आपको आंसर भी बताता हूं। तो देखिए पहला सवाल का जवाब लिखिएगा आप लोग कि साउथ इंडिया इज नॉन फॉर इट्स म्यूजिक आर्ट्स एंड रिच लिटरेचर, मद्रास एंड चेन्नई कैन बी कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल एंड द सोल ऑफ मदर इंडिया, यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर अगले सवाल का देखिए आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच द स्पीकर यूज देयर ऑरेटोरिकल वेपन्स, चेन्नई स्पीकर आर बाय एंड लार्ज स्वीट एंड अर्बन थ्रू द कैंटन कैरियस फायर ईटिंग वेरियस इज ऑप्टन विटनेस इन पॉलिटिकल कैंपेनिंग। फिर अगला थर्ड नंबर सवाल हमारा ब्रिज स्मूथ द बॉडी रिफ्रेशेज द माइंड शार्पन्स द टंग एंड ब्रिटेन्स द इंटेलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन थ्री का जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा एवरी स्ट्रीट ऑफ कॉर्नर ऑफ चेन्नई हैज लिनरी फॉरम अ डिबेटिंग सोसाइटी एंड म्यूजिक डांस एंड ड्रामेटिक क्लब द इंटेलिजेंट आर्गूमेंट्स द स्पार्किंग विट एंड डैशिंग ईरानी इन बिलियन बोथ द पॉलिटिकल एंड इलिटरी मीटिंग। तो ये आपके चारों सवाल का जवाब हो जाते हैं यहाँ पर। बच्चों अगला एक आपको दिया जाएगा पोएम, जिस तरह क्लास 12th के बच्चों को दिया था एक पोएम दिया जाएगा, अननोन पोएम रहेगा और देखिए उसमें से कुछ आपको सवाल पूछे हैं। तो ये आपको पोएम दिया हुआ है और इसमें देखिए पांचवा सवाल पूछा हुआ है कि हु इज द स्पीकर एंड होम डज इज यानी किससे वो बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर छः हमारा बोला हुआ है कि व्हाट डज ही प्रे टू गॉड, वो गॉड को इस तरह प्रे क्यों करता है। अगला है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया दैट द स्पीकर वॉज टू कन्वे, देखिए क्या स्पीकर कन्वे करना चाहता है इसमें सेंट्रल जो आइडिया है वो हमें बताना है। तो तीन सवाल में किन्हीं दो सवाल का जवाब देना, तो चलिए मैं आपको तीनों का आंसर बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है कि स्पीकर कौन है, पोएट है और वो किससे बात कर रहा है, तो गॉड से बात कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल हमारा पोएट प्रेस टू गॉड, पोएट प्रेस टू गॉड एज ही विश टू लिसन द वॉइस ऑफ नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन द डाउन ट्रोडन एंड वन ऑफ ऑन सोल, ठीक है उसका हो जाएगा सही जवाब छः नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर छः का आंसर है कि द सेंट्रल आइडिया दैट द स्पीकर वॉन्ट्स टू कन्वे इज दैट ऑफ लव केयर एंड डिवोशन ऑफ ह्यूमनिटी एंड टू गॉड, ये क्वेश्चन नंबर सात का हमारा जवाब हो जाता है। फिर देखिए अगला हमारा सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखिए आपको ग्रामर सेक्शन है मोस्टली, इसमें से आपको एक कंपोजिशन दिया जाएगा या फिर लेटर दिया जाएगा या इसे दिया जाएगा और एक आपको रिपोर्ट दिया जाएगा, इन सब में से कुछ सवाल दिया जिसमें मैंने यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कि राइट अ कंपोजिशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ, देखिए सीधा बात है कि 100 वर्ड्स आपको ज़्यादा नहीं लिखना है और अगर इन तीनों सवाल में किसी दो सवाल का जवाब दे दिए तो टोटल 10 मार्क्स मिले, यानी एक सवाल में 5 मार्क्स आपको मिलने वाले। तो इंपैक्ट यानी सीधा बात है सिनेमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है ये हमें बताना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं राइट एन एसे ऑफ द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस पर आपको ऐसे लिखना है और या फिर क्वेश्चन 10 एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैड टू स्टार्ट अ कैंपेन ऑन से नो टू पॉलिथीन, सीधा बात पॉलिथीन बैग्स को मना करना, इस पर आपको क्या करना है एक कैंपेन स्टार्ट करना है अपने आसपास के इलाकों में। तो आपको इसके लिए क्या करना है अपने स्कूल मैगजीन में क्या लिखना है एक रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तीन आपको तीन सवाल पूछे गए, तीन में आपको कहीं दो का जवाब देना, चलिए मैं आपको तीनों का जवाब बताता हूँ। यहाँ है हमारा इंपैक्ट ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ, तो लिखा दिखा हुआ है
कि सिनेमा इज अ यूनिवर्सल टीचर, इट एजुकेट्स पीपल इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। आवर फिल्म प्रोड्यूसर हैव मेड वेरी पर्पजफुल फिल्म टू कलेक्ट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट सम ऑफ द सोशल इविल्स एज वेल एज डाउरी सिस्टम, द लेबर एक्सप्लोइटेशन। इट कैन टीच अस नेशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बोटनी, केमिस्ट्री, ETC। डॉक्यूमेंट्री फिल्म रीच टू अ स्ट्रीट इन एवरी न्यूयॉर्क टू अ पार्ट ऑफ टोक्यो। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया। फिर इंडिया ऑफ माय डे, देखिए ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको टिक करवा देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं आपको टिक करवाते चलूँ कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला देखिए, यहाँ बोला हुआ इंडिया 2 में कि इन द इंडिया ऑफ माई ड्रीम एवरी मैन विल हैव अ हाई मोरल सेंस, अ डीप लव फॉर द नेशन। आवर कंट्री इज बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस इंडस्ट्री। आई वॉन्ट इंडिया टू बे लीडिंग कंट्री न्यू टेक्नोलॉजी। आवर इंडस्ट्री शुड ग्रो फास्ट। ठीक है, वी शुड प्रोड्यूस एवरी थिंग वी नीड। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम विल गो न्यूक्लियर फॉर पीसफुल पर्पज। एजुकेशन विल गेट्स इज ड्यू इंपॉर्टेंस। एवरी कंट्री मैन विल गेट अ जॉब फॉर चाइल्ड। स्टूडेंट विल बी डिवोटेड टू देयर स्टडीज। पॉलिटिशियन विल नॉट बी अलाउड टू मिस यू स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा बच्चों, काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, डेढ़ घंटे का समय, डेढ़ घंटे के हिसाब से हमें क्या करना है, अपना काम करना, सीधा बात है। ठीक है, अगला हमारा एक आपको क्या लिखना है, नोटिस लिख, आपको आपको लिखना था बच्चों, रिपोर्ट लिखना था, तो ये लिख सकते हैं से नो टू पॉलिथिन बैग में। आपका जिस भी एग्जाम का डेट रहेगा उस डेट को डाल दीजिएगा, बाकी आप कुछ भी आपका स्कूल का जो भी कॉलेज का नाम वो लिख सकते हैं, या फिर ABC करके पार कर सकते हैं, वहाँ आपको नाम दिया तो नाम लिख लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, द मानव सेवा समिति ऑफ अशोक चंद्र ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन अबाउट द 9th to 15th ऑफ इस मंथ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ पॉलिथीन बैग। द कैंपेन वॉज सेड नो टू पॉलिथीन बैग्स बैनर बियरिंग दिस स्लोगन वेयर स्प्लेड इन वेरियस प्लेसेस इन द लोकेलिटी। मेंबर्स ऑफ द समिति डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। ईच ग्रुप विजिटेड द पीपल इन देयर विलेज। तो यहाँ से इतना बड़ा आप लोग क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा, देखिए मैं सीधा बता रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग ट्राई करिएगा, यहाँ से इतना लिखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा इसका आंसर, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी है, इतना बड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। तो ठीक है, अब अगला सवाल देखिए हमसे बोला हुआ है, क्वेश्चन है बच्चों, आपका क्वेश्चन रुकिए, हम लोग ग्रुप से मिला था। देखिए यहाँ पर सेक्शन सी में देखिए आपको क्या करना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, एक सवाल पर 3 मार्क्स मिलने वाले और 50 वर्ड से आपको बड़ा लिखना नहीं है। ठीक है, और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपके बुक पार्ट का है, सेकंड टाइम का जो सिलेबस उसी के आधार पर देखिए ये सवाल यहाँ पर बनाए हुए, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा कि विथ इन अ फ्यू पेज द ऑथर हैव पैक्ड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ जॉन इपे एंड हिज वाइफ। डिस्कस हाउ कॉन्शियसनेस एंड इकोनॉमी ऑफ डिप्रेशन कैन अचीव इफेक्टिव पोर्ट्रेल ऑफ इंटायर लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 11th हो गया, याद रखिए 5 में से किन्हीं 3 का आपको जवाब देना, आपको पहले बता देता हूँ। फिर अगले सवाल क्वेश्चन है 12 हमसे पूछा हुआ है कि व्हाई हैज अरुंधति डिस्क्राइब हर फादर फिली एज पेमिशियस घोस्ट ऑफ द मोथ। और फिर अगला क्वेश्चन 13 हमारा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज सी वाज यूज्ड टू हिम। और क्वेश्चन 14 पूछा हुआ है, वेयर हैज द ऑथर्स गिवन स्पार्क्स ऑफ सत्यजीत बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 15 आपको पूछा हुआ कि व्हाई डिड द ट्रेवलर कंपोज एंग्री लेटर टू अथॉरिटी और टू द प्रेस इन देयर माइंड। क्वेश्चन 16 हमारा, व्हेन डज अ मैन फील हिमसेल्फ डेड विद इन। ठीक है, फिर क्वेश्चन 17 हमारा, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर द फ्लेवर ऑफ बटर नोज ट्रिकलिंग विद दैट ऑफ जोहाब। ठीक है, ये क्वेश्चन 17 हो गया, तो टोटल 7 सवाल बोले हुए, 7 में किन्हीं 5 का आपको जवाब देना है, जिसमें से आपको देखिए 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक सवाल पे 3 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में 11 का आंसर है, आप लोग लिखते चलिएगा, इतना बड़ा लिखना नहीं है, क्योंकि आपको बोला हुआ 50 वर्ड से कम लिखना, सीधा हुआ। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ था, ऑथर है पैक्ड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ जॉन बेन वाइफ विथ इन ए फ्यू सी हैज कंसाइज एंड लाइफ ऑफ इकोनॉमी इन एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम पोर्ट्रेइंग द लाइफ ऑफ इफेक्टली। सी हैज इंक्लूडेड टाइटल कन्वर्सेशन बट द स्टोरी इज नाउ वेरी अनइंटरेस्टिंग एज द इंसिडेंट पापाची बीटिंग हिज वाइफ रिकॉर्ड। तो यहाँ से क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखते हम लोग नहीं चलेंगे। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, आप लोग आंसर देखिए, ये पूरा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा आंसर है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, जो आंसर आपको बोला हुआ है ये आप लोग क्या कर लीजिए, ये भी पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा समाप्त। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए हमें 14 बोला हुआ है कि अगर आप इसे टिक करना चाहें तो बच्चों टिक करिएगा। ठीक है, ये पूरा ही लिख लीजिएगा, ये भी 14 छोटा ही है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर 15 नंबर जो सवाल बोला हुआ था बच्चों, थोड़ा सा देखिए PDF यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है मैं मानता हूँ, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा एडजस्ट शुरू कर लिए, यहाँ से यहाँ लिखिएगा बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं अगली बार ट्राई करूँगा देखिए PDF को सटीक बनाने का, ताकि आपसे बच्चों देखिए कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर क्वेश्चन 16 का बच्चों आंसर ये भी पूरा लिख दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से पूरा लिखिए, 17 नंबर यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो टोटल 7 में 7 के 7 जवाब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप सभी बच्चों को जो भी बच्चे छूट जा रहे हैं वो मिलाते हुए चलिए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है बच्चों हमारा है 18, 19, 20, 21। ठीक है, देखिए सीधा बात है, 18 और आपका जो बच्चों 18, 19 वहाँ पर आपको एक कैरेक्टर इसके दिया जाएगा, या फिर कोई भी कंपेरेटिव एस्टिमेट दिया जाएगा रैना और बच्चों लौका के बीच में जो हमारा
कम्पिटिटिव एस्टिमेट है वो बताना रहेगा या फिर कैरेक्टर एस्टिमेट है तो बच्चों एग्जाम आने वाला है। इसी सवाल का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो 19 है वो दो तरीके से प्रचार किया हुआ है आपको कि स्टेट द कैरेक्टर और इसके द कैरेक्टर ऑफ मेजर पेटकॉफ या फिर मेजर पेटकॉफ इज नॉट ए पावरफुल कैरेक्टर गिव योर आर्गूमेंट स्केचिंग द कैरेक्टर ऑफ मेजर पेटकॉफ। इस तरह से दोनों तरफ से सवाल बन सकते हैं। ग्रुप बी में देखिए दो सवाल पूछे गए और दो सवाल में से किन्हीं एक सवाल का जवाब देना जिससे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो आपका आता है सेक्शन डी में वो आप लिख सकते हैं। अब बोला हुआ है कि देखिए आपको कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करना है, यानी याद है ग्रुप ए बनाना तो ग्रुप ए बनाइए, ग्रुप बी बनाना ग्रुप बी, वो आपकी इच्छा है, कोई भी एक सवाल बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सभी का आंसर बताऊं, आप लोग बस नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए यहां क्वेश्चन है बच्चों 18 का आंसर अगर आप देखिएगा तो आप लोग बेहोश हो जाइएगा, सीधा सीधी मैं बताता हूं बेहोश हो जाइए। इतना बड़ा आंसर देखिए आप जरा सा खुद देखिए, लगभग लगभग बच्चों होगा अगर आप लिखने जाइएगा तो 2 पेज का तो पक्का आंसर होगा, ठीक है, पक्का पक्के 2 पेज का आंसर होगा। लेकिन क्या आप इतना बड़ा लिखिएगा तो देखिए कभी मत लिखने जाइएगा, सीधा बात है, कोई डिफ्रेंशिएट बताना था तो यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये लगभग लगभग होगा बच्चों मेरे हिसाब से तो ये 60 से 70 वर्ड आराम से हो जाएगा, और कुछ भी अगर जोड़िएगा एक्स्ट्रा इस पैसे से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस पारा से जोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला था बच्चों हमारा सवाल मेजर पेटकॉफ के बारे में बच्चों कैरेक्टर स्केच था, ठीक है। तो आपको उनके बारे में कैरेक्टर स्केच बताना था कि वो क्या बताता है क्या नहीं बताता, ठीक है, जो भी सवाल हम तो बोले हुए। तो पहला तो बच्चों आप क्या करिएगा यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है, फिर अगला लिखिएगा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, वहाँ तक लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्वेश्चन बच्चों 20 और 21 बच्चों दो सवाल को बोले हुए थे तो 20 का बच्चों आंसर छोटा ही है, 20 का तो पूरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने, मुझे लगता किसी बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है, 20 में पूरा करिएगा। 21 को मैं आपको थोड़ा टिक कर देता हूँ क्योंकि बच्चों थोड़ा सा ये आपके लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, दास से लेकर बच्चों स्ट्रेट लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा समाप्त, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा सवाल है, सोच रहे कितना बड़ा लिखना है, लिखते लिखते पागल हो जाइए, पूरा चैप्टर आपको भर दिया जाएगा, तो ठीक है। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश सिलेक्टिव का। देखिए टर्म 2 का देखिए जितना सिलेबस है, अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जितना हो सकेगा, तो देखिए मैं भी ट्राई करूंगा एग्जाम से पहले देखिए आपका जितना इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी टिक करवा दूंगा। एक भी सवाल देखिए अगर आपको एग्जाम से बाहर इससे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको थोड़ा सा चैनल को शेयर कर देना है और लाइक को देखिए वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे ये बच्चों मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बच्चों भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग बस थोड़ा प्यार रखिए, जिस तरह क्लास 11th 10th आपको थोड़ा सपोर्ट देगा उससे देखिए सपोर्ट करिएगा तो जल्द से जल्द मैं आपको बता देता हूँ पूरा 8 सेक्शन में जितना भी आपका सब्जेक्ट है जो भी सब्जेक्ट आपका वो पूरा कवर कर दूंगा। फिर देखिए साइंस वालों को पकड़ूंगा एक ही साथ, देखिए एक पूरा स्ट्रीम का कंप्लीट किया सकता है, या तो पूरा आर्ट्स या फिर साइंस, या क्योंकि एक में ध्यान पूरा रह जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको पता है क्या करना है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।